हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, दैट इज यूडीपी। सो इट इज द सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल दैट इन्वॉल्व्स मिनिमम अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। इट इज कनेक्शनलेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल। देखिए, हम ये कहाँ पर यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है यूडीपी। सो इट इज अ कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि अगर आप एक नोड से दूसरे नोड पर डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई एक डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं बन रहा है जिससे कि ये डाटा ट्रांसफर होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी पाथ हो सकता है, तो ये किसी भी पाथ को डाटा पैकेट्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग पाथ पर डाटा पैकेट जा सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक ही डाटा पैकेट एक पाथ ले, कोई भी डाटा पैकेट किसी भी अलग पाथ पर जा सकता है। तो मतलब ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। जस्ट लाइक कि आपके पोस्टल सर्विस होता है, तो पोस्टल सर्विस में आप क्या करते हो कि पोस्ट ऑफिस में आप जो आपका लेटर है उसको पोस्ट कर देते हो, और फिर आप ये नहीं देखते कि वो किस मीडियम के थ्रू जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो उसी तरीके से कुछ आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। तो अगर ये कनेक्शन लेस है तो ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल भी है। रिलायबल प्रोटोकॉल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आप पे एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है कि एक्नॉलेजमेंट आए कि आपका पैकेट जो है वो सही तरीके से डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं कि कनेक्शन लेस हो रहा है, अनरिलायबल है, तो इसका एक एडवांटेज है कि ये फास्ट बहुत है। ये प्रोटोकॉल अगर टीसीपी प्रोटोकॉल से देखें तो उससे ज़्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पर उसके कुछ फीचर्स होते हैं, इस फीचर्स को समझते हैं। फर्स्ट फीचर आता है आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पर एक कुछ मशीन्स हैं एक नेटवर्क में, और फिर ये नेटवर्क वन है, और फिर यहां पर एक दूसरा नेटवर्क है, सपोज ए को डी पे डाटा सेंड करना है। तो यहां पर ए में यहां कुछ ना कुछ यहां पर प्रोसेस होंगी। प्रोसेस किस तरीके से? प्रोसेस बिल्कुल ऐसे जैसे कि आप अपने वेब ब्राउजर पे बहुत सारे टैब में, मल्टीपल टैब में मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक प्रोसेस आपकी जनरेट हो रही है। तो उस प्रोसेस में आप मल्टीपल टैब, जैसे मैंने बताया, तो उसमें से किसी एक टैब से डाटा को सेंड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेस चल रही हैं, तो उनमें से किसी एक प्रोसेस के थ्रू आप किसी दूसरे नोड पे डाटा को प्रोसेस टू प्रोसेस डाटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हो। ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसेस चल रही होती है, उन प्रोसेसेस के बीच में ये कम्युनिकेशन करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है आपका पोर्ट नंबर। देखिए, जब भी आप कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम जब भी वेब ब्राउजर को एक्सेस करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर एक पोर्ट नंबर उसको एलोकेट करता है, और उस पोर्ट नंबर के थ्रू ही डाटा ट्रांसफर होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो डाटा ट्रांसफर होता है वो पोर्ट नंबर के ही थ्रू ट्रांसफर होता है। फिर आता है कनेक्शन लेस सर्विस। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, ये कनेक्शन लेस सर्विस होती है कि आपको एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन तक आपको डाटा सेंड करना है, तो ऐसा नहीं है कि एक डेडिकेटेड पाथ है वहां पर, वहां से डाटा सेंड हो रहा है। वो जो डाटा पैकेट्स हैं वो कोई भी पाथ ले सकते हैं और किसी भी सीक्वेंस पे यहां पर पहुंच सकते हैं। सपोज यहां 1 2 3 4 ये चार डाटा पैकेट्स हैं, वो ए से बी में आपके सेंड होने हैं। तो यहां पर जो आपका रिसीविंग होगा, तो कुछ ऐसे भी हो सकता है या कुछ ऐसे भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ पर कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती है कि डाटा पैकेट किस तरीके से पहुंचेंगे। किसी भी सीक्वेंस में डाटा पैकेट जो है वो दूसरे एंड पे पहुंच सकते हैं। फिर आता है इट इज कनेक्शन लेस अनरिलायबल। ये अनरिलायबल है क्योंकि यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ नहीं है, बी जो है वो कोई भी एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं भेज रहा है ए को कि डाटा पैकेट पहुंचा कि नहीं, तो इसी वजह से ये एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। उसके बाद आता है फ्लो कंट्रोल। यहाँ पर यूडीपी में कोई भी फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता, ऐसा कोई मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं काम करता। फिर आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में जो डाटा की एरर होती है,
यहाँ पर जब डाटा जाता है तो दो चीज़ें हैं, एक तो पूरा ये मान लीजिए आपका एक पैकेट है, तो पैकेट में यहाँ डाटा होगा, हेडर होगा। तो ये जो डाटा है, इस डाटा में अगर कोई भी एक एरर है तो वो एरर नहीं फाइंड आउट हो सकती। और अगर हम पूरे एक पैकेट के लिए एरर कंट्रोल की बात करें तो वहाँ चेकसम का मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, तो एरर कंट्रोल के लिए भी ये कुछ नहीं करता। फिर आता है कंजेशन कंट्रोल, तो कंजेशन कंट्रोल के लिए भी इसके पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिससे कि हम कंजेशन कंट्रोल को मैनेज कर पाएं। तो ये था थोड़ा सा बेसिक यूडीपी का। अब देखते हैं हम कि यूडीपी का डाटाग्राम किस तरीके से होता है, पैकेट किस तरीके से होता है। यूडीपी पैकेट इज कॉल्ड यूजर डाटाग्राम। तो यूडीपी पैकेट को हम क्या कहते हैं, यूजर डाटाग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हेडर फील्ड है और उसके बाद डेटा है। हेडर फील्ड जो है वो 8 बाइट की होती है और 8 बाइट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, यहाँ 16 बाइट का सोर्स पोर्ट होता है, 16 का डेस्टिनेशन पोर्ट होता है, टोटल लेंथ होती है 16 बिट्स की और चेकसम होता है 16 बिट का। अब देखते हैं सोर्स पोर्ट क्या होता है। सोर्स पोर्ट ये टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स, ये सोर्स पोर्ट जो है वो 16 बिट्स का है, तो 2^16 ये आपके मैक्सिमम पोर्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम पोर्ट की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये 2^16 -1 हो जाएगा। तो जो टोटल पोर्ट अवेलेबल हैं वो 0 to 65535 हैं। तो इस वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सोर्स पोर्ट को दे दी जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है, जब भी आप वेब ब्राउजर को खोलते हैं तब तो आपको एक सोर्स पोर्ट असाइन हो जाता है और उस सोर्स पोर्ट के थ्रू आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होगा। उसी तरीके से वही कंसेप्ट आपका डेस्टिनेशन पोर्ट का होता है। तो ये सोर्स जहाँ से डाटा जा रहा है, डेस्टिनेशन पे जहाँ से डाटा रिसीव हो रहा है। उसके बाद आता है टोटल लेंथ। जो टोटल लेंथ होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेडर होता है, एक पेलोड होता है। पेलोड होता है कि टोटल आपका प्योर डाटा कितना जा रहा है, वो होता है पेलोड। तो अब इसकी मैक्सिमम लेंथ निकालते हैं, तो सेम थिंग, टोटल लेंथ विल बी 2^16। तो 2^16 की मैक्सिमम वैल्यू होती है 65536, बट यहाँ 0 इंक्लूड किया तो ये हो गया 0 to 65535। अब ये देखिए, दिस इज द मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम डाटा जो आप ट्रांसफर कर सकते हो, मैक्सिमम डाटा वो है 65535, और ये डाटा जो है वो बाइट्स में है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कितने का हेडर होगा, यहाँ हेडर होगा 8 बाइट्स का और यहाँ पेलोड होगा 65527। हमने क्या किया, ये मैक्सिमम लेंथ में से 8 बाइट्स जो हैं वो सब्सट्रैक्ट कर दी, तो ये आ गया 65527 बाइट्स। अब यहाँ पर ये पेलोड क्या बता रहा है, ये पेलोड ये बता रहा है कि जो मैक्सिमम डाटा आप यहाँ पर सेंड कर सकते हो वो है 65527 बाइट्स का। इससे कम डाटा हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा डाटा यहाँ पर नहीं सेंड हो सकता एक भी यूजर डाटाग्राम में। सो दिस इज अबाउट द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ विल इंक्लूड हेडर प्लस डाटा। ओके, देन यहां पर एक चेकसम आता है। चेकसम एरर के लिए इस्तेमाल करते हैं। चेकसम कैसे क्रिएट होता है, चेकसम यूडीपी हेडर प्लस यूडीपी डेटा प्लस सूडो हेडर ऑफ आईपी। सूडो हेडर ऑफ आईपी में कुछ ऐसी चीजें एसोसिएट होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे कि आईपी एड्रेस में कुछ ऐसी फील्ड होती हैं, सेंडर आईपी एड्रेस और रिसीवर आईपी एड्रेस की, जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। तो वो सारी फील्ड जो है हम सूडो हेडर ऑफ आईपी में रख सकते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब चेकसम जरूरी क्यों है, चेकसम एरर कंट्रोल के लिए जरूरी होता है कि जब आप पैकेट एक जगह से दूसरी जगह आप भेजते हो तो वहाँ चेकसम मैच होता है कि जो चेकसम की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो वैल्यू वही कैलकुलेट हो रही है कि नहीं। अगर वैल्यू में डिफरेंस आता है तो दैट मीन्स कि वहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर ये यूजर डेटाग्राम का हेडर है जिसमें सोर्स, डेस्टिनेशन और टोटल लेंथ ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। IPv4 की अगर बात करें तो IPv4 में जो चेकसम की फील्ड है वो एक ऑप्शनल फील्ड है, ये चेकसम आप लगाना चाहो लगा सकते हो, अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, बट IPv6 में ये चेकसम की जो फील्ड है उसको एक मैंडेटरी फील्ड कर दिया है कि यूजर डेटाग्राम में ये फील्ड होनी ही चाहिए। सो
दिस इज ऑल अबाउट द यूडीपी डाटाग्राम। तो इस यूडीपी डाटाग्राम में हमने डिस्कस किया कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मैकेनिज्म है इसका, और इसका हेडर किस तरीके से काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।